ऋतिक रोशन के सबा आजाद के साथ प्यार के रूमर्स काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। इसी बीच ग्रीक गॉड को स्पॉट किया गया एयरपोर्ट पर, जहां पे उन्होंने दी सबा आजाद को एक लविंग सी ऑफ किस। वैसे तो हमारी कंट्रोवर्सी क्वीन राखी सावंत किसी न किसी बहाने से न्यूज में आ ही जाती हैं, मगर इस बार राखी ने किया है एक काफी अच्छा काम। राखी ने खोली है दुबई में एक एक्टिंग एकेडमी टू हेल्प ऑल द अपकमिंग एक्टर्स इंप्रूव देयर स्किल्स। राखी ने कहा, इट विल प्रोवाइड एस्पायरिंग एक्टर्स वर्क इन बॉलीवुड। रणबीर कपूर फैंस के लिए है एक गुड न्यूज। संजू में सबको इम्प्रेस करने के बाद रणबीर नजर आ सकते हैं एक और बायोपिक में। जी हाँ, अपनी आने वाली फिल्म तू झूठी मैं मक्कार के प्रमोशनल इवेंट पर रणबीर ने कंफर्म किया कि वो किशोर कुमार की बायोपिक में काम करेंगे। रणबीर ने ये भी बताया कि वो इस बायोपिक पर पिछले 11 सालों से काम कर रहे हैं और इसे फिल्म मेकर अनुराग बासु लिख रहे हैं। साथ ही में रणबीर ने क्लियर किया कि वो सौरव गांगुली की बायोपिक का हिस्सा नहीं बनेंगे। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने दिखाया अपना क्रिएटिव और ह्यूमरस साइड। अपने आने वाली मच एंटिसिपेटेड फिल्म किसी की भाई किसी की जान के नए गाने का प्रोमो सलमान ने किया शेयर, मगर एकदम नए अंदाज में। सॉन्ग का नाम है बिल्ली बिल्ली और इसे अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर सलमान ने किया शेयर एक बिल्ली के वीडियो के साथ। बाय द वे, बिल्ली बिल्ली होगा 2 मार्च को रिलीज। कार्तिक आर्यन और आलिया भट्ट हैं इस वक्त सबके फेवरेट। इसका प्रूफ है कार्तिक और आलिया की बड़ी जीत एक अवार्ड्स नाइट पर, जहां कार्तिक को मिला भूल भुलैया 2 के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड और आलिया भट्ट को नवाजा गया उनकी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। एक्टर पंकज त्रिपाठी ने लिया लीगल एक्शन अगेंस्ट द मेकर्स ऑफ आजमगढ़ फॉर यूजिंग हिज नेम फॉर प्रमोशंस। दरअसल पंकज ने एक कैमियो रोल किया था इस फिल्म में 5 साल पहले और इसकी रिलीज डेट के बारे में उन्हें नहीं पता था। फिल्म की होर्डिंग्स देखने के बाद ही पंकज को रिलीज डेट का पता चला और उन्हें लगा कि उनका नाम इसके प्रमोशंस के लिए यूज किया जा रहा है और इस बात पर उन्हें आया काफी गुस्सा। बॉलीवुड एक्ट्रेसेस अपनी फिटनेस को लेकर रहती हैं काफी स्ट्रिक्ट और कॉन्शियस। आफ्टर डिलीवरिंग अ चाइल्ड इन नवंबर 2022, आलिया भट्ट इज बैक इन एक्शन। इतना ही नहीं, एक अवार्ड्स नाइट पे आलिया भट्ट को उनकी फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू पे डांस करते हुए देखा गया, जिससे हुए उनके फैंस काफी इंप्रेस।